हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 10 Pro के बारे में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। भाई, जैसा कि हम सबको पता है कि Realme की नंबर सीरीज़ और Redmi की नंबर सीरीज़, इन दोनों सीरीज़ का हर कोई वेट करता है, उनमें से वैसे मैं भी एक हूँ। सो Realme की 10 सीरीज़ जो है हमें दिवाली के आसपास देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि टिप ऑफ द आइसबर्ग बता दूँ आपको, Redmi की नंबर सीरीज़ भी आपको उसी टाइम देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही तहलका मचने वाला है मार्केट में। खैर, मूविंग ऑन द टॉपिक, इस फ़ोन में हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। आज से पहले Realme ने ये चीज़ें हमें कभी प्रोवाइड नहीं करी थी। सो स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली AMOLED पैनल देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये जो पैनल है ये फ्लैट पैनल रहने वाला है, बट यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा अलॉन्ग विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और शायद से आपको जो हार्ट रेट सेंसर है वो भी मिल जाए। बात करी जाए इस फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि यानी क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। प्राइमरी लेंस जो है वो 200 MP का होने वाला है। अब मुझे नहीं लगता कि 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर अभी आपको इतनी जल्दी मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा, बट जो रूमर्स हैं वो यही बोल रही हैं कि 200 MP का आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा। अभी सेंसर है सोनी का होगा, सैमसंग का होगा या फिर किसी और ब्रांड का होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। सेकेंडरी लेंस आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है, प्लस आपको दो और जो लेंस मिलने वाले हैं 5+5 या फिर 2+2 का मिल सकता है। बात करी जाए फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट लेंस जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें भी बोल रहे हैं कि आपको 4K का सपोर्ट मिलेगा, यानी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K। अब ये भी मुझे ना रूमर्स ही लग रही हैं, इतनी जल्दी हमें सब कुछ ना बिल्कुल मलाई हाथों में नहीं मिलने वाली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हालांकि CPU यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 768G वाला देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग देखने के लिए मिल सकता है। और बैटरी के डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी मिलेगी। इसको चार्ज करने के लिए 65 वॉट का चार्जर जो है बॉक्स में मिल जाएगा। 3.5 mm जैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है 25,000 से 30,000 रुपीज़ के आसपास आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद Realme 10 Pro के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।